हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बटर नान की रेसिपी, जो कि बहुत ही ईजी वे में बन करके तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। और सच मानिए, एकदम मार्केट स्टाइल टेस्ट आएगा उसका। तो बहुत ही ईजी वे में बन के तैयार हो जाएगा और घर के इंग्रेडिएंट्स से हम इसे बना के तैयार करेंगे। एक बार अगर आप इस प्रकार से बटर नान बना लेंगे फ्रेंड्स, तो सच मानिए आप बाहर का बटर नान खाना भूल जाएंगे, क्योंकि सच में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेम्पटिंग बन के तैयार होता है ये और बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया था और उसी के साथ हम यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसी में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे चीनी। चीनी डालने की वजह से इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा आता है, साथ ही जो हमारी नान है वो सॉफ्ट बनी रहती है। और उसी के साथ में हम यहाँ पे 1 कप दही भी इसमें डालेंगे, जिसकी वजह से आपको इसमें ईस्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना ईस्ट के भी ये नान बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है। जो मार्केट वाली नान होती है उसमें ईस्ट मिला रहता है, अगर आपके पास ईस्ट पाउडर हो तो ज़रूर डालें फ्रेंड्स, और नहीं हो तो आप इस प्रकार से दही डाल करके उसको बनाएं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डाल के बढ़िया सा डो लगा लेंगे। ना ज़्यादा गीला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए, मुलायम सा डो लगा के इसका तैयार करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, इसी प्रकार से चिकना सा डो इसका लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने डो लगा ली है फ्रेंड्स, और अब हम इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि छोटे छोटे गोले बना लेंगे। जिस भी साइज़ का हमको नान बनाना है उसी साइज़ का आप लोई बनाएं। तो देखिए हमने लोई बना ली है यहाँ पर, और नीचे थोड़ा सा मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद से इस प्रकार से इसको अब हमें इसको बेलना है। आप जैसे चाहें वैसे शेप दे सकते हैं नान की। हम यहाँ पे इसको ओवल शेप में बेल लेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो देखिए इस प्रकार से पलटते हुए हम इसको बेल लेंगे। ना तो हमें ये बहुत ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है। तो देखिए इस प्रकार से मीडियम कंसिस्टेंसी का हम बेल करके तैयार करेंगे। तो नान जो है लोग लंबा लंबा भी बनाते हैं फ्रेंड्स, तो आप उस प्रकार से भी बना सकते हैं, यानी कि लंबा भी आप इसको बेल सकते हैं। तो देखिए हमने आप इसको बेल लिया है। बेलने के बाद से हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी। अगर आपको कलौंजी नहीं पता हो तो आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से स्प्रेड कर देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। और उसके बाद से इस पर हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा धनिया। तो धनिया डालना ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर डालें, नहीं लगता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए दोनों चीज़ों को डालने के बाद से हम इसको इस प्रकार से बेल लेंगे, ताकि सारी चीज़ें इसमें अच्छे से चिपक जाए और जब हम इसे सेकें तो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको बेल करके तैयार कर लेंगे। तो एक तरफ से बेल लिया हमने, अब इसको पलट करके भी एक बार ऐसे बेल लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इधर बेलने के बाद से हम इसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे फ्रेंड्स। पानी लगाना बहुत ज़रूरी है, पानी लगाने से ये होता है ये तवे में अच्छे से चिपक जाता है और हटता नहीं है। तो हम यहाँ पर पानी लगा रहे हैं, और ये भी होता है कि पानी लगाने की वजह से जो नान है हमारी काफ़ी लंबे टाइम तक सॉफ्ट बनी रहती है। तो बस इधर अच्छे से पानी लगाने के बाद से हमने इधर एक तवा लिया है और इस पर इस प्रकार से सीधा करके इसको डाल देंगे। तो देखिए इस प्रकार से डालना है इसको, और इस टाइम पे जो फ्लेम रहेगी फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पे हम इसको सेकेंगे, लो टू मीडियम पे नहीं करेंगे, हाई फ्लेम पे रखेंगे, जिसकी वजह से जल्दी से नीचे से सिक जाएगा। और मैदा है तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सिकने में। तो जब ये एक साइड से हल्का हल्का हो जाएगा और जब ये इस तरीके से बबल्स इसमें उठने लगेंगे, तब हम इसको डायरेक्टली गैस पे सेकेंगे। तो फ्रेंड्स हम इसे गैस पे सेकेंगे, आप चाहें तो सीधा तवे को भी उल्टा करके आप सेक सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। लेकिन जब हम गैस पे सेकते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत अच्छे से सिक जाता है, बिल्कुल भी कच्चा रहने का चांस नहीं रहता है। तो देखा आप लोगों ने, इसको पलट करके और नीचे गैस पर रख के फिर हम इसको सेक लेंगे। तो हमने इसको बढ़िया से सेक लिया, कलर आप देख सकते हैं कितना सुंदर आया है। अब थोड़ा सा बटर लगा लेंगे, और बटर लगाने के बाद से दोनों तरफ से हम बटर लगा लेंगे, इसकी वजह से बहुत अच्छा साइन इसमें आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा, हमने इसमें ना तो ईस्ट का यूज़ किया और ना ही ओवन का यूज़ किया, तो बहुत ईजी वे में हमने इसे तवे पे बना के तैयार किया है, और टेस्ट एकदम मार्केट स्टाइल इसका आएगा। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। तो इसी प्रकार से हम बाकी के नान भी बना करके तैयार कर लेंगे, और इसे आप मसाले वाली सब्ज़ी के साथ, किसी भी मसाले वाली सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं, खासकर पनीर की सब्ज़ी के साथ, नॉनवेज के साथ, जो भी सब्ज़ी आपको पसंद हो मसाले वाली इसके साथ बनाइए और इसको एंजॉय करिए। तो जब ये एक तरफ से हो गया, तब हम इसको इस प्रकार से पलट करके सेक लेंगे। तो यहाँ पे दूसरी तरफ से बढ़िया से सिक गया है,
सीधे फ्लेम पे सेकने से ये होता है फ्रेंड्स कि ये बहुत अच्छे से सिक जाता है और बिल्कुल भी कच्चा रहने का चांस नहीं रहता है, क्योंकि मैदा है तो अच्छे से सिकना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम डायरेक्टली उसको फ्लेम पे ही सेक लेते हैं। आप चाहें तो नॉर्मली तवे को उल्टा करके भी सेक सकते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया फूल के तैयार हो रहा है ये। तो इसी प्रकार से आप लोग भी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप हमारी रेसिपी फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा एकदम मार्केट स्टाइल नान बनके। और देखिए कितना सॉफ्ट, कितना नरम बनके तैयार हुआ है ये। इसको आप अगर स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको अच्छे से सिल्वर फॉल में लपेट करके स्टोर कर लें, और फिर जब आपको खाना हो तब आप इसे गर्म करके फिर एंजॉय करें। तो देखिए तैयार हो गया है हमारा नान, और बहुत ही क्रिस्पी सा बन के तैयार हुआ है। अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्पी है। देखिए मैं दिखा रही हूँ इसको फोल्ड करके, बहुत ईजी वे में हो रहा है और दोनों तरफ से बढ़िया से सिक भी गया है ये। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।